ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പമ്മടക്കണ വരുമനി സിക്കാപദം സമാധിയാമി ചുറാമേരി മജ്ജിപ്പമ്മടക്കണ വരുമനി സിക്കാപദം സമാധി ശ്രമണ സംഘ മേ ജുടേ സഭി സമാന്യ സാഥിയോ കോ നവ ബുദ്ധായ ജയ ഭീം ജയ സംവിധാൻ സമാന്യ സാഥിയോ ജൈസാ കി ആപ് ഈ സമയ ജോ സമസ്യായേ ഹൈ ഉനേ ദേഖ് രഹേ ഹൈ कि सारा रोजगार छिन गया है, व्यापार हमारे लोगों के पास था ही नहीं, रोजगार में भी सिर्फ ये सरकारी नौकरियां थी वो सब प्राइवेटाइजेशन करके और सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जो इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि जिससे जो हमारे दबे कुचले लोग थे, जो थोड़ा सा आगे निकल के आए कुछ पढ़ लिख कर अपने ज्ञान के बल पर, उन लोगों को फिर से पीछे धकेलने का एक कार्यक्रम चल रहा है। और ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में उन लोगों की व्यथा को देखते हुए, उन लोगों की परेशानियों को देखते हुए, उन लोगों के लुटते हुए जीवन को देखते हुए, और जो संत महापुरुष काम कर रहे थे उनके संघर्षों को देखते हुए एक ऐसा भारत को संविधान दिया कि हम भारतीयों को वी द पीपल बना दिया। हमें सबको एक समान कर दिया और सबको मौका दे दिया कि भाई सब आगे बढ़ सकते हैं, सब अपना अपना काम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो जितना पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है और जो करना चाहे वो कर सकता है। खुली छूट आजाद देश में इस संविधान ने दे दी। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे आए, कुछ लोगों ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा त्रिरत्न और बाबा साहेब ने भी तीन मूल मंत्र दिए। वही बुद्ध के त्रिरत्न है, वही बाबा साहेब के मूल मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब ने भी यही कहा और बुद्ध ने भी अपने त्रिरत्नों में यही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए। और दूसरा कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, कि आप धम्म में एक साथ रहिए, आप धम्मिक बनिए, आप संगठित रहिए। सब प्रकृति के नियमों को मानेंगे तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात होगी। तो उन्होंने भी कहा संगठित रहिए। और संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ में रहिए। संघ कई प्रकार के उस समय होते थे, जैसे भगवान बुद्ध के बाद जो है संघ बने कि भिक्षुओं के संघ बने, भिक्षुओं के संघ बने, तो ऐसे ही उपासक उपासिकाओं का भी संघ था। तो वो जो उपासक उपासिकाओं का संघ था, उसी संघ को बाद में तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, और हमें वो गंदी आदतों में धकेल दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि हम अपने इस मूल मंत्र को भूलते चले गए और हम गंदी आदतों में उनके द्वारा जो बताए गए आदतें थी उनमें हम लिप्त होते चले गए। एक साजिश के तहत हमें जो है शराब, नशा और व्यभिचार, गंदी आदतों में हमें धकेल दिया गया और हम उन आदतों में पढ़कर अपने को, अपने महापुरुषों को, अपने संघ को, अपने धम्म को भूलते चले गए। लेकिन अब जब सब कुछ लुटता चला जा रहा है तो ये कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने ये दिमाग लगाया कि ये लुटता क्यों चला गया, कि आज बाबा साहेब ने हम सबको समान अधिकार भी दे दिए, हमारे बहुत सारे लोग ये दम भी भरते हैं कि
हम बाबा साहेब के मिशन में काम कर रहे हैं, हम बाबा साहेब के लिए काम कर रहे हैं, हम संविधान के लिए काम कर रहे हैं, हम आम जन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के काम करने के बावजूद, इतने सारे संगठन होने के बावजूद आज सब कुछ लुटता क्यों चला जा रहा है? तो निकल कर बात आती है कि हमें त्रिरत्नों में संगठित रहने के लिए कहा गया था, संघ में रहने के लिए कहा गया था, इकट्ठा रहने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने संगठित रहने के नाम पर बहुत सारे संगठन बना लिए, और वो संगठन पहले एक बना होगा, फिर उसके महामंत्री और कोषाध्यक्ष वगैरह बनाए गए। जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उसमें से घालमेल हुआ होगा, वो कोषाध्यक्ष और महामंत्री ने भी देखा होगा। जब कोषाध्यक्ष और महामंत्री को लगा कि इसमें तो पैसा है, तो उसने अपना अलग संगठन बना लिया, वो किसी बात पर लड़ गया और दूसरा संगठन बना लिया। कोषाध्यक्ष ने अलग बना लिया, महामंत्री ने भी अपना अलग बना लिया, फिर वो अलग अलग पैसा इकट्ठा करने लगे, और आज इसी तरह से 29 लाख संगठनों में हम लोग छोटे छोटे संगठनों में बट गए हैं। और इसीलिए जो संविधान पर जिनका अधिकार है, जो संविधान को आज चला रहे हैं, जो संविधान को लागू कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये बटे हुए लोग हैं, अब इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, तो उन्होंने सारी जो आपको जहां से बल मिलता था, जहां से नौकरियां मिलती थी, जहां से आप आरक्षण के बल पर आगे निकल रहे थे, वो उसको तो छुआ नहीं, उसकी परसेंटेज को तो छुआ नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने तो लिख दिया है कि आरक्षण ये खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उस परसेंटेज को ना छूकर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जिसकी लोगों को भनक तक नहीं लगी, और उन्होंने सब जहां पर आरक्षण आपको मिलता था वो दरवाजे ही बंद कर दिए, वो सब सब चीजें बेच दी। तो आज संकट हमारे सामने इस बात का है कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो पैदल हो गई, ऐसा मानिए कि उनको कोई रोजी रोजगार का साधन हमारे पास नहीं बचा है, तो ये संकट का समय चल रहा है। इस संकट काल में हम अगर इकट्ठा हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, और यही समण संघ की थीम है, यही समण संघ का उद्देश्य है। समण संघ को अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो समता के लिए काम करने वाले लोगों का समूह, समता के साथ जीने वाले लोगों का समूह, समता न्याय बंधुता के साथ सबके साथ न्याय करने वाले लोगों का समूह, ये समण संघ की शाब्दिक परिभाषा है। सम अण यानी समता के साथ रहने वाले लोग। तो आज इस संघ की हमें आवश्यकता पड़ी, और वही संघ जो बहुत पहले से हमारे पास था, उसको फिर से उस बुद्धिजीवी साथियों ने हमारे सामने लाकर उसे झाड़ पहुंच कर हमारे सामने रखा है, और हम लोग आज जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से जो प्रैक्टिस हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, वो सुखी रहे, जिस तरह से हमारे बहुत सारे लोगों ने संविधान के लागू होने के बाद सुख भोगा है, वो सुख सतत रूप से हमारी पीढ़ियों को मिलता रहे, इस उद्देश्य को लेकर समण संघ की जो परिकल्पना है वो फिर से आपके सामने रखी गई। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर क्या करना है कि हमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना है, लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करना है, एक दूसरे से भाईचारा और मैत्री का भाव हमें रखना है, और हमें इकट्ठा होकर ही हम सब कुछ पा सकते हैं, यही समण संघ का उद्देश्य है। और आज हम अगर इकट्ठे नहीं हुए तो बहुत सारी समस्याओं से हमारा समाज घिरने वाला है, जो एससी एसटी ओबीसी समाज है वो फिर से पीछे धकेल दिया जाएगा, वो फिर से उन्हीं कामों करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा जिन कामों से बाबा साहेब ने हमें निकाला था। आज हम देख रहे हैं कि सरकारों ने उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं इस तरह की चला रही है कि वो शिल्प के माध्यम से उन्हीं कामों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कि जातिवार लोगों को जो है शिल्प सिखाए जा रहे हैं,
जो कुम्हार लोग हैं वो बर्तन बनाने की कला कैसे बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, या जो चमार लोग हैं वो चमड़े का काम कैसे बहुत बढ़िया कर सकते हैं, जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, जो बढ़ई लोग हैं वो कैसे, उनके लिए अलग अलग संहिताएं बनाई जा रही हैं, अलग अलग शिल्प शिल्प की किताबें छापी जा रही हैं, और फिर से वही काम करने के लिए मजबूर करने का एक कार्यक्रम चल रहा है जो बहुत ही घातक है इस देश के लिए और खास तौर से हमारे लिए। तो हमें इस संविधान को नेता मानकर आगे बढ़ना है और इस संविधान को बचाना है। ये संविधान बचेगा तो हमारी जिंदगी बचेगी, हमारी पीढ़ियां बचेंगी। ये संविधान एक किताब है, हम इसको बचाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा, ये हमें सोचकर काम करना है। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा सभी सामान्य साथियों से कि खुद जुड़े हैं तो इसके कंसेप्ट को समझने के बाद रुकिए मत, अब जुट जाइए लोगों को जोड़ने में, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप कमर कस लीजिए, और जहां जहां भी आप जा सकते हैं, जहां जहां भी आप काम कर सकते हैं, जिन 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 लोगों को जोड़ सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके निकट संबंधी हैं, जो आपके सामाजिक समाज में जिन जिन लोगों से भी संबंध है, आप उनको सबको इस बात की सूचना दीजिए कि हमें इकट्ठा होना है। इकट्ठे होंगे तो हम बचेंगे, इकट्ठे होंगे तो हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और हम आने वाली पीढ़ियों को सुख दे सकते हैं, नहीं तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम लुट जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कटोरा तो दे दिया गया है प्राइमरी स्कूल से ही, लेकिन वो सच में भीख मांगना शुरू कर देंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। और इसी इसी को लेकर हमें सब लोगों को बहुत ही तेजी से काम करने की जरूरत है, तभी हमारा संघ संघ जो है ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, तभी हमारा संविधान हमारे लिए कुछ कर सकता है। इसी भावना के साथ हमें लग जाना है और पूरी तरह से काम करना है। काम काम सिर्फ हमें क्या करना है, काम जोड़ने का करना है, काम जुड़ने का करना है। और यहाँ जो एक्टिव लोग होते हैं समण संघ में, जो एक्टिव लोग होते हैं उन्हें स्पोक की संज्ञा दी जाती है, उन्हें स्पोक की पदवी दी जाती है। यही एक लास्ट और फर्स्ट पद है कि जो स्पोक होता है, और स्पोक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। स्पोक एक बहुत बड़ा पद भी है और एक एकल पद है। तो स्पोक का काम क्या होता है कि जो हमारे संघ की विचारधारा है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा है, जो बाबा साहेब की विचारधारा है, जो संत महापुरुषों की विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुंचाना है कि वो क्या चाहते थे, वो क्या क्या उनकी मानसिकता थी आपके प्रति, क्या क्या हमारे लिए वो किन रास्तों को छोड़कर गए थे। तो उन रास्तों को हमें फिर से लोगों को बताना है, यही समण संघ की उद्देश्य है, यही समण संघ की विचारधारा है। महापुरुषों की विचारधारा ही समण संघ की विचारधारा है, प्रकृति की विचारधारा ही समण संघ की विचारधारा है, प्रकृति के नियम ही समण संघ के नियम है। तो इन नियमों को हमें जन जन तक पहुंचाना है, और जिस दिन ये नियम जन जन तक पहुंच जाएंगे उसी तरह से लोग फिर से जुड़ जाएंगे जैसे पहले जुड़े हुए थे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, नमोदय, जय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि।
शरणं